पूरे भारत देश में आज रामनवमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे साथ चेंबूर के विधायक प्रकाश फातेपेकर जी है, उनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरह आपने ये पूरा आयोजन किया है, कितने भक्त यहाँ पर शामिल है, क्या कहना चाहेंगे? ये हर साल का रामनवमी का प्रोग्राम रहता है। आप तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा जतरा लगी हुई है और ये 5-6 हज़ार का ऊपर आज भाविक आए हैं, उनको हर साल आते हैं। और अभी ये जो भंडारा चालू है, वो भंडारा कभी कभी ख़त्म होता है मगर वापस आधे घंटे में हम लोग उसको वापस बना के हम लोग ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया कि वास करो, वो कंटिन्यू चालू है। उधर सब देखो, आप दिखा रहेगा वो भंडारा भी उधर चालू है, बनाने का भी चालू है। मैं जानना चाहूँगा कि चेंबूर का काफ़ी फेमस साईं बाबा का ये मंदिर है, तो इस मूर्ति मंदिर का स्थापना कैसे हुआ, क्या यहाँ की विशेषताएं हैं? मंदिर का स्थापना वैसा देखा जाए तो स्थापना हुई नहीं उसकी। आज हमारे गुरुभाव मांजरेकर इधर मूर्ति बनाते थे, वो किधर एक कोने में थे तो उनको मैं इधर जगा दिया, आप बनाओ करके, और उसने वो मूर्ति एक खाली मॉडल के रूप में रखी थी, उसका पूजा नहीं होता था, कुछ नहीं होता। तो ये कैसा है, यहाँ पे साउथ इंडियन वगैरह सब जगह के जाति के आदमी लोग रहते, एक साउथ इंडियन के घर में एक बड़ा संत आया था और मैं बोला तो उनका फंक्शन करने का तुरंत, कौन किसका काम भाऊ को बोलो, तो वो लोग मेरे पास आए, बाबा ऐसा ऐसा करना है, तो उनका मंडप बिंडप सब उनको करके दिया, जो मांगता है वहाँ पे उनका घर के नीचे पंडल बिंडल बांध के वो सब उनका इंतजाम करके दिया। तो गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद भी दिया वहाँ पे, और वो गुरुजी बोले कि चलो, वो जो संत आए थे उन्हें बोले चलो मैं आपका घर पे आना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला, तो फिर इधर देखा उन्होंने मूर्ति है, तो उन्होंने क्या साउथ इंडियन लैंग्वेज में बोला भजन और आरती, तो फिर मिसेस को बुलाया और तभी से वो आरती चालू हो गया। और इसमें दर गुरुवार का कंटिन्यू आरती चालू होने के बाद एक दिन मेरे को शिरडी में किसी ने तो ओरिजिनल एक फ़ोटो दिया जो हाथ ऊपर है ऐसा, तो अभी भी वो निगेटिव मेरे पास है। तो जो मूर्तिकार जो गुरुभाव मांजरेकर, उनको बोला ऐसा ऐसा है, अपन क्यों वो हाथ उसके ऊपर ऐसा बनाते ऐसा करके, तो उन्होंने वो यहाँ से इधर का जो बॉडी है पूरा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है और हाथ जितना हाथ है वो फाइबर का है, तो हाथ मुंह पे आ रहा था लंबा से, बोला तो 10 दिन हो गया, तो मैं बोला चलो ये थोड़ा सा डिफेक्ट है वो अपन निकालते, तो हाथ वो यहाँ से कट किया हम लोग, आधे कट करने के बाद वो पूरा खून चालू हो गया, तभी से हर एक दिन गुरुवार का आरती और ये भंडारा तभी से ये चालू हो गया। और ये जो है साल अभी 29 साल है, ये 90 साल से चालू हुआ, आज उसका 29 ईयर्स पूरा हो गया। मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे यहाँ पे काफ़ी फिल्म स्टार भी आते हैं साईं बाबा का दर्शन करने के लिए, ऐसे कौन कौन से हैं, क्या कहेंगे? यहाँ की हमारी विद्या बालन जी है, वो आके अभी तो कंटिन्यू उधर आरती और बैठ के जाप भी करती थी और जो मांगता है उनको प्राप्त कर लिया, अभी शादी हो गया है उसको, कभी कभी हस्बैंड और वो आते हैं यहाँ पे और शांत बैठते हैं, वो आने के बाद इधर उसको कोई तकलीफ नहीं होता है, कोई ऐसा फिल्म स्टार करके कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, वो 15-20 मिनट आराम से ध्यान लगाती है और फिर निकल जाती है। सर एक सवाल और पॉलिटिकल है, क्योंकि चुनाव चल रहा है इसलिए मैं जानकारी लेना चाहूँगा, 5 से 6 हज़ार पब्लिक यहाँ पर अन्नदान के लिए आई है, भंडारा में शामिल है, ऐसे कौन कौन से नेता यहाँ पर आके गए हैं अभी तक? ऐसे सब नेता, अभी राहुल शे वाले भी आने वाले हैं, अभी जितने शिवसेना के जो यहाँ के चेंबूर के है वो आके गए, महापौर भी आके गए, इस पहले के जो महापौर थे 2-3 प्रभु बोला कि श्रद्धा यादव, ये सब आके गए यहाँ पे। भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पे आप? भक्तों को वही संदेश दूंगा कि अपने भाग में जो लिखा है वो होने वाला ही है, उसने लिखा हुआ है, अपन खाली प्रयत्न करना है, बाबा ऐसा नहीं कि ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, अपन अपना काम करते रहने का, जो है वो देने वाला ऊपर बैठा है, ऐसा मत समझो कि कुछ होता नहीं, आप आपका काम करते रहो और तुम्हारा भाग खुलने वाला ही है।
जी हाँ, चेंबूर के विधायक प्रकाश फातेपकर जी ने बताया कई सालों से यहाँ पर साईं बाबा की मूर्ति का स्थापना हुआ और यहाँ पे पूजा होते रहता है। भक्त काफी संख्या में यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं और आज पूरे देश में रामनवमी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसकी एक झांकी चेंबूर में देखने को मिल रही है, जहाँ तक कि 5 से 6 हजार भक्त इस पूजा में यहाँ पे रामनवमी के इस त्यौहार पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं। कैमरामैन पवन दवे के साथ राज पांडे, CN News मुंबई।